नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करेंगे हालिया चर्चित श्री राम वनगमन पथ के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। श्री राम के छत्तीसगढ़ में होने की शील संपन्न परंपरा की मधुर स्मृति अंचल के जनमानस को आज भी गौरवान्वित करती है। रामायण अर्थात राम का अयन या राम का भ्रमण, सर्वोत्कृष्ट आराध्य नायक ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। जहां विज्ञान प्रयोग का अनुसरण करता है, वहीं पुराणों का आधार है विश्वास। छत्तीसगढ़ का जनमानस अपने विश्वास के आधार पर श्री राम को मानता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे कई स्थल हैं जो श्री राम के छत्तीसगढ़ आगमन की वैज्ञानिक तार्किकता को पुष्ट करते हैं। मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के समस्त मानवीय गुणों को धारण करने वाले श्री राम में पुत्र, भ्राता, मित्र, पिता, योद्धा, शासक और दार्शनिक के सप्त गुण पाए जाते हैं। राम के श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा अंत में भगवान श्री राम बनने की यात्रा में छत्तीसगढ़ के अरण्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। श्री राम दंडकारण्य कहे जाने वाले क्षेत्र के 75 स्थलों पर रुके थे, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री राम वन गमन पथ के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मेरे विचार से अगर श्री राम से सीखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है तो वह है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, धैर्य और संयम। यदि संकल्प मजबूत रहे, संकट काल में संयम बनाए रखा जाए तथा व्यक्तित्व मर्यादित रहे तो बड़े से बड़े तूफान या झंझावात का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। आदर्श भ्राता, बेहतर प्रबंधक, सखा, दयालु स्वामी तथा सहनशीलता, प्रभु राम के ऐसे 5 गुण थे जिसने राम को श्री राम बनाया। आज इस ऑडियो आर्टिकल में श्री राम वनगमन पथ के लिए चयनित 75 स्थलों में से प्रारंभिक 25 स्थलों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की कुछ पंक्तियां जो श्री राम के वनगमन पे सर्वाधिक सटीक बैठती हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। श्रोता इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह राम वन गमन पथ की 3 कड़ियों की पहली कड़ी है। श्री राम वन गमन पथ के स्टैटिक या स्थैतिक पदों के बारे में हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे श्री राम वन गमन पथ के 75 स्थलों के प्रारंभिक 25 स्थलों की, जो कि निम्न प्रकार से हैं: सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडौल छतौड़ा आश्रम, सीतामढ़ी कनवाई देवसील, सिद्ध बाबा आश्रम, सोनहट रामगढ़, अमृतधारा महर्षि वामदेव आश्रम, जटाशंकरी गुफा मुनि निदाथ आश्रम, सीता लेखनी ओड़गी बिहारपुर, बैकुंठपुर पटना देवगढ़, देवगढ़ जमदग्नि ऋषि आश्रम, सूरजपुर, विश्रामपुर विश्रवा ऋषि आश्रम, राम लक्ष्मण पायन मरहट्टा, बिलद्वार गुफा महरमंडा ऋषि आश्रम, सीताकुंड सरोवर, रामगढ़ पहाड़ी सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा, रामगिरी पर्वत रामगढ़, सीताकुंड चंदन मिट्टी, ऋक्षबिल हाथी पोल गुफा, लक्ष्मणगढ़ महेशपुर, रक्सगंडा केसरीवन बंदरकोट तथा 25वां शरभंग ऋषि का आश्रम मैनपाट। आइए इन सभी स्थलों की एक विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला, सीतामढ़ी हरचौका। श्री राम का दंडक वन में प्रवेश के लिए प्रथम आगमन वर्तमान मनिंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर के भरतपुर हरचौका में हुआ था। भरतपुर में सीधी जिला MP तथा छत्तीसगढ़ प्रांत की सीमा रेखा पर मवई नदी के तट पर सीतामढ़ी हरचौका स्थित है। माता सीता के आगमन से जन समुदाय द्वारा किया गया उद्घोष कि मां आई ही कालांतर में मवई हुआ। भगवान श्री राम जिस स्थापना पर उतरे थे उस स्थान पर आज भी भगवान श्री राम के पदचिन्ह हैं। मवई तट के निकट बने गुफा में ही श्री राम को रक्ष संस्कृति के बारे में बताया गया। छत्तीसगढ़ की पावन धरा को रक्ष संस्कृति से मुक्त कराने का निर्णय लेकर श्री राम ने यहां रुकने का निर्णय लिया। स्थानीय जनों की सहायता से सीता माता की रसोई बनी, तभी से यहाँ के स्थल सीतामढ़ी, सीता रसोई तथा हरि का चौका नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कालांतर में यह भरतपुर क्षेत्र में सीतामढ़ी हर चौका नाम से प्रसिद्ध हो गया।
सीतामढ़ी अर्थात सीता की मढ़िया अर्थात रहने के स्थान से है। यहाँ गुफानुमा 17 कक्ष एवं 12 में द्वादश शिवलिंग है। यहाँ स्थापित शिवलिंग चौकोर जलहरी में स्थापित है। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें देवी की मुखाकृति है, जिसे ज्वालामुखी नाम से जाना गया है। दूसरा, सीतामढ़ी घाघरा, वर्तमान मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर में सीतामढ़ी हर चौका के बाद भगवान श्री राम रापा नदी पहुंचे, जो कि घाघरा नामक स्थान था। रापा नदी बनास नदी की सहायक नदी है। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ स्थित 4 कक्षों में श्री राम के परिवार सहित रुकने की जानकारी मिलती है। सीतामढ़ी घाघरा पुरातात्विक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन के लिए उत्तम स्थान है। रापा नदी के तट पर ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। घाघरा में ही एक प्राचीन बौद्ध मंदिर मिला है, जहां 2 तथा 3 मुख वाली मानव की आकृतियां मौजूद है। तीसरा, कोटाडोल छतौड़ा आश्रम, गोपद बनास के मिलन स्थल कोटाडोल श्री राम वनगमन पथ का तीसरा पड़ाव है। छतौड़ा आश्रम नेऊर नदी के तट पर है। इस स्थान पर भी प्राकृतिक गुफा मंदिर है, जिसे सीतामढ़ी कहा जाता है। श्री राम के समय छतौड़ा विद्या का केंद्र था। नदी तट पर बने प्राकृतिक गुफा मंदिर में राम वन गमन के साथ श्री राम के विश्राम का साक्ष्य भी मिलता है। इसके अलावा कोटाडोल में मौर्यकालीन अशोक की लाट, त्रिमूर्ति शेर के अंकन सहित मिलते हैं। चौथा, सीतामढ़ी कनवाई देवसील, वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिले में स्थित देवसील बरनी नदी के तट पर स्थित है। देवसील को देवताओं के प्रिय स्थल के तौर पर माना गया है। नदी के किनारे स्थित प्राकृतिक गुफा के बारे में मान्यता है कि श्री रामचंद्र नेऊर नदी के तट से होकर यहां पहुंचे थे। देवसील कोटाडोल और रामगढ़ के मध्य प्राकृतिक सुंदरता लिए एक पुण्य स्थली है। पांचवा, सिद्ध बाबा का आश्रम, वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिले में स्थित प्राकृतिक चट्टानों से निर्मित सिद्ध बाबा का आश्रम है। इस संबंध में यह किंवदंती प्रचलित है कि जब श्री राम इस मार्ग से गुजरे थे तो उन्होंने एक सिद्ध बाबा से भेंट की थी। इस आश्रम में अभी भी सिद्ध बाबा के बैठने का आसन बना हुआ है। छठवां, सोनहट रामगढ़, भगवान श्री राम वन गमन करते हुए छतौड़ा आश्रम से कोटाडोल कनवई देवसील होकर रामगढ़ पहुंचे थे। वर्तमान समय में सोनहट कोरिया जिले में अवस्थित है। इन्हीं पहाड़ियों से हसदेव नदी का उद्गम भी होता है। किंवदंतियों से ज्ञात होता है कि श्री राम सोनहत से होते हुए अमृत धारा तक पहुंचे। शांतिपूर्ण परिवेश के कारण अमृत धारा में ऋषि मुनियों के निवास की परंपरा मिलती है। इस प्रकार रामगढ़ सोनहत को राम वन गमन पथ से जोड़ा जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। सातवां, अमृत धारा महर्षि वामदेव आश्रम, वर्तमान समय में अमृत धारा मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिले में अवस्थित है। रामायण काल में अमृत धारा महर्षि वामदेव आश्रम के रूप में प्रसिद्ध था। वामदेव त्रिशूल धारण करने वाले ऋषि हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। ऋग्वेद के चौथे मंडल के मंत्र दृष्टा महर्षि वामदेव गौतम ऋषि के पुत्र थे। अमृत धारा के पीछे लोक कथा प्रचलित है कि यहीं महर्षि सूत ने महर्षि वामदेव को 18 पुराण सुनाए थे। प्राचीन काल में यह स्थल नैमिषारण्य का सहयोगी केंद्र भी था। इस स्थान पर महर्षि विश्वा के साथ महर्षि वामदेव के तर्क लोक गीतों में गाए जाते हैं। रामचंद्र रामगढ़ से होकर यहाँ पहुंचे थे तथा इस तपोभूमि में कुछ समय व्यतीत किया था। आठवां, जटाशंकरी गुफा मुनि निनाद आश्रम, वर्तमान समय में कोरिया जिले में स्थित जटाशंकरी गुफा रामायण काल में मुनि निनाद आश्रम के रूप में प्रसिद्ध था। प्राकृतिक तथा विशालकाय 100 मीटर व्यास परिधि की यह गुफा जटाओं से युक्त होने के कारण जटाशंकरी कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि मां सीता के द्वारा इस स्थान को स्वर्ग की अनुभूति से परिपूर्ण बताने के पश्चात श्री राम यहां रुके और आर्य संस्कृति के विकास पर गंभीर चर्चा की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जटाशंकरी गुफा के पास वीर नगर में बने आश्रम को महर्षि पुलस्त के पुत्र निदाध का मानते हैं। नौवा, सीता लेखनी ओड़गी बिहारपुर, ऐसी मान्यता है कि श्री राम जटाशंकरी गुफा से पुलस्त ऋषि आश्रम से होते हुए सीता लेखनी की पहाड़ी पहुंचे। यह स्थान वर्तमान में सूरजपुर जिले में स्थित है। लोकवासियों में प्रचलित कथा के अनुसार इस पहाड़ी से भगवान राम ने माता सीता की इच्छा अनुसार सिंदूर कुरेद कर निकाला था।
माता सीता ने जब सिंदूर लगे स्वेद को इन पत्थरों पर फेंका तो यहाँ अंगूठी के आकार के छिद्र हो गए, जिससे आज भी सिंदूर निकलता है। यह पर्वत चंपा जोड़ पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पार्श्व में स्थित एक शिलालेख में शंख लिपि में कुछ शब्द उकेरे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे माता सीता द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा इस स्थान पर अष्टभुजी गणवतिया माई लक्ष्मण पंजा 108 दिनों तक प्रतिदिन नवीन शिवलिंगों की आराधना तथा लक्ष्मण द्वारा माता सीता को लिखना सिखाना जैसी लोक कथाएं भी प्रचलित है। एक अन्य कथा राक्षस रूपी सर्प के वध की भी मिलती है। दसवां, बैकुंठपुर पटना देवगढ़। आम्रवन तथा सालवनों से आच्छादित यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण होने के कारण बैकुंठपुर कहलाया। वर्तमान समय में कोरिया जिले में स्थित बैकुंठपुर में श्री रामचंद्र जटाशंकरी से होते हुए पहुंचे थे। यहां से प्राप्त मंदिर अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहां मंदिरों का समूह रहा होगा। बैकुंठपुर को अन्य पटना देवगढ़ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बैकुंठपुर के पश्चात श्री राम वन गमन पथ का अगला पड़ाव देवगढ़ को माना गया है। ग्यारहवां, देवगढ़ जमदग्नि ऋषि आश्रम। जमदग्नि ऋषि आश्रम तथा परशुराम की तपोभूमि के रूप में विख्यात रेहंद नदी के तट पर बसा देवगढ़ वर्तमान समय में सरगुजा जिले में अवस्थित है। भगवान राम से इस तपोभूमि पर आने का कारण पूछने पर उन्होंने बड़े ही सहज भाव से इसे देवभूमि को प्रणाम करने की इच्छा हेतु अपना आगमन बताया तथा तपस्वियों से भेंट कर अपने आने का कारण समझाया। ब्रह्म पुराण में वर्णित रेणुका ही वर्तमान में रेंड नदी है। इस स्थान से जमदग्नि सहस्त्रार्जुन युद्ध की प्रतिमा के साथ दुर्लभ अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। रामचंद्र जी के वनवास के समय इस आश्रम में ठहर कर तपस्वी एवं ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लेकर आगे प्रवास कर जाने की जानकारी मिलती है। बारहवां, सूरजपुर। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान श्री राम देवगढ़ के पश्चात रेण नदी के किनारे स्थित सूरजपुर भी पहुंचे थे। बैकुंठपुर तथा विश्रामपुर के मध्य स्थित सूरजपुर में भगवान श्री राम की स्मृति में एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। सूरजपुर का यह पावन स्थल राम मंदिर राम जी के आगमन तथा इस स्थान से गुजरने के साक्ष के रूप में स्थापित किया गया है, जो इस क्षेत्र में वनवास काल में श्री राम के यहां आने की पुष्टि करता है। तेरहवां, विश्रामपुर विश्रवा ऋषि का आश्रम। रामायण काल में विश्रवा ऋषि के आश्रम में श्री राम के आने से यह स्थान विश्रवा राम या विश्राम कहलाने लगा। रावण के पिता मुनि विश्रवा के द्वारा राम के आने का कारण पूछे जाने पर श्री राम ने कहा कि वे ऐसे स्थान पर आना चाहते थे जहां देवताओं का वास हो, और वह स्थान सरगुजा क्षेत्र है। विश्रामपुर के संबंध में यह जनश्रुति है कि श्री राम अपने वनवास काल में सूरजपुर के पश्चात ही विश्रामपुर पहुंचे थे। चौदहवां, श्री राम लक्ष्मण पायन मरहट्टा। पायन का अर्थ होता है चरण। वर्तमान सूरजपुर जिले में स्थित सघन वनों के बीच बसा मरहट्टा श्री राम के आगमन का साक्षी है। राम लक्ष्मण के पैरों के निशान मरहट्टा ग्राम में इनके आने की मधुर स्मृति संजोए हुए है। ऐसी किंवदंती है कि महानदी के तट पर आने से पूर्व राम लक्ष्मण और माता सीता महानदी के तट पर पहुंचे थे। यह स्थान रामचंद्र जी के स्मृति में उनके पद कमल चिन्ह को स्मृति रूप में संजोकर रखने के लिए चरण चिन्ह बनाए गए हैं। जन सामान्य इसे राम लक्ष्मण पायन के रूप में मानकर इसकी पूजा करता है। पंद्रहवां, बिलद्वार गुफा महरमंडा ऋषि आश्रम। वर्तमान सरगुजा जिले में महान नदी के पास प्राकृतिक बिलद्वार गुफा है। अर्धचंद्राकार यह गुफा सघन वनों से आच्छादित एक शांत क्षेत्र है। ओम की आकृति में बने इस गुफा की खासियत है कि इस गुफा में ऐसे ऐसे बिल बने हुए हैं जहां से लगातार ताजी हवा आती रहती है, जिससे घुटन महसूस नहीं होती। यह गुफा ऋषि महरमंडा की तपोस्थली भी थी, जिन्होंने श्री राम से खरात बड़का पहाड़ी, जिसका प्राचीन नाम पिलखा और वेदमी मिलता है, के सरा और असुर नामक दो राक्षसों के संहार की विनती की, जिनका संहार श्री राम ने माता सीता के विरोध के विरुद्ध भी किया था। इस बिलद्वार गुफा को प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है कि यहां वनवास काल में श्री राम के आकर रुकने की पुष्टि तो हो ही जाती है। 16वां, सीताकुंड सरासोर। वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित सरासोर महानदी के तट पर है।
ऐसी जनश्रुति है कि इस स्थान पर श्री राम ने सरा नामक राक्षस का वध किया था। इसी स्थान पर पिलखा और वेदमी नामक दो पहाड़ियां हैं, जिसे भगवान राम ने अपने धनुष के टंकार से अलग किया था। इन दो पहाड़ियों के बीच एक बड़ा कुंड भी है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है। इस स्थान को सीता नहानी भी कहा गया है। महान नदी के मध्य एक टापू क्षेत्र है, जिसे राम दोह कहा जाता है। बड़का पहाड़ पर ही महान नदी के तट पर बना एक प्राकृतिक गुफा है, जिसे जोगी महाराज की गुफा के नाम से जाना जाता है। महान नदी ग्राम उड़गी में रेण नदी से संगम करती है। ऐसी मान्यता है कि श्री रामचंद्र सारासोर से आगे रेण तट पर पहुंचे और वहां से उदयपुर क्षेत्र के रामगढ़ में प्रवेश किया। 17वां रामगढ़ पहाड़ी सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा। श्री राम वन गमन पथ का 17वां पड़ाव सरगुजा स्थित रामगढ़ पहाड़ी को माना गया है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में जिन रामगिरी पर्वत का उल्लेख आता है, यह वही रामगढ़ पर्वत है। रामगढ़ पहाड़ी को काटकर ही सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा बनाई गई है। एक जनश्रुति के अनुसार इस पहाड़ी के ऊपर वशिष्ठ मुनि का आश्रम ज्ञात होता है। सीता बेंगरा में विश्व की प्राचीनतम रंगशाला होने की जानकारी मिलती है, जहां से ब्राह्मी लिपि में लिखा गुहा लेख भी प्राप्त हुआ है। इस लेख में सुतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा का वर्णन है। जोगीमारा गुफा में बौद्धकालीन गुफा चित्र भी मिलते हैं। किसी जोगी महाराज की यह गुफा कालांतर में जोगीमारा हो गई। जनश्रुतियों में माना गया है कि इस स्थान पर वनवास काल में श्री रामचंद्र एक जोगी तपस्वी के रूप में यहां ठहरे थे। 18वां रामगिरी पर्वत रामगढ़। श्री राम वन गमन का यह 18वां पड़ाव रामगिरी पर्वत वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित है। जनश्रुतियों के अनुसार रामगिरी पर्वत में मुनि वशिष्ठ का आश्रम था, जो ऋग्वेद के संपूर्ण सप्तम मंडल के मंत्र दृष्टा है। कालिदास की कृति मेघदूत में रामगिरी पर रघुपति पदय से श्री राम के यहां आने की पुष्टि होती है। महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूत की रचना स्थली सरगुजा स्थित रामगिरी पहाड़ी को ही माना जाता है। महाकवि कालिदास की साधना स्थली के रूप में विख्यात रामगिरी पर्वत में वर्तमान में श्री राम की 50 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। 19वां सीताकुंड चंदन मिट्टी। वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित इस सीता कुंड के बारे में मान्यता है कि इस कुंड में प्रवाहित होने वाली सरिता चित्रकूट की गुप्त प्रसिद्ध मंदाकिनी है। यही पास में चंदन मिट्टी की भी प्राप्ति होती है। रामगढ़ में श्री राम वशिष्ठ मुनि से भेंट कर चंदन मिट्टी पहुंचे थे। यहीं पर वशिष्ठ मुनि ने श्री राम से आर्य संस्कृति के विषय में चर्चा कर वन आगमन मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। 20वां ऋक्षबिल हाथीपोल गुफा। वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित तथा रामायण में उल्लेखित ऋक्षबिल रामगढ़ को ही हाथीपोल गुफा कहा जाता है। यह कहा जाना इसलिए तर्कसंगत है क्योंकि रामगढ़ ऋक्ष पर्वत श्रेणी का ही भाग है। हाथीपोल गुफा को ही ऋक्षबिल कहा जाता है। यह सुरंग या बिल सीतामढ़ी गुफा तथा नाट्यशाला के समीप ही बना है। ऐसी जनश्रुति है कि रामचंद्र जी वनवास के समय इस हाथीपोल गुफा से गुजरकर ही लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे। इस सुरंग की विशेषता यह है कि निरंतर जल प्रवाहित होने के कारण छोटे बड़े अनेक इस सुरंग की विशेषता यह है कि निरंतर जल प्रवाहित होने के कारण छोटे बड़े अनेक जलाशय बन गए हैं। 21वां लक्ष्मणगढ़। श्री राम वन गमन पथ का 21वां स्थल लक्ष्मणगढ़ को माना गया है, जो वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित है। वनवास काल में लक्ष्मण जी के यहां ठहरने के कारण इस स्थल का नाम लक्ष्मणगढ़ हुआ। यहां के प्रस्तर खंडों में दो गजराज, कमलासन लक्ष्मी, कृष्ण जन्म तथा पूतना वध आदि का शिल्पांकन है। लक्ष्मणगढ़ आज की पुरातात्विक वैभव के कारण दर्शनीय है। रामचंद्र जी सब परिवार लक्ष्मणगढ़ से होकर रेण नदी के किनारे स्थित महेशपुर पहुंचे थे। 22वां महेशपुर। श्री राम वन गमन पथ का 22वां पड़ाव वर्तमान सरगुजा जिले का महेशपुर है। वाल्मीकि रामायण में जिस आम्र वन का उल्लेख हुआ है वह यही स्थान है। प्राचीन समय में भरतपुर नाम से प्रसिद्ध यह स्थान शिवलिंगों की प्रधानता के कारण महेशपुर कहलाया, तथा कुछ विद्वान इस स्थान को जलेशपुर भी मानते हैं। रेणुका नदी के तट पर बसे महेशपुर में
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव सहित शिव परिवार एवं सुर सुंदरी आदि की मूर्तियां भी मिलती हैं। ऐसी जनश्रुति है कि रामचंद्र जी इस क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत किए थे तथा उनके आगमन के कारण यह स्थान एक सांस्कृतिक तथा धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात हो गया। 23वां रक्सगंडा। वर्तमान सूरजपुर जिले के ओड़गी विकास खंड में रक्सगंडा जलप्रपात है। इस जलप्रपात के पास दो आयताकार आसन हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि श्री राम अपने वनवास अवधि के दौरान यहां बैठे थे, इस कारण इसे राम आसन भी कहा जाता है। रक्सगंडा का शाब्दिक अर्थ राक्षसों के ढेर से है। इस रक्सगंडा के समीप एक अन्य स्थल सीता पोखरी है। इस स्थान पर एक मानवाकार पांव भी है। ऐसी मान्यता है कि यह पांव लक्ष्मण जी का है। भात्र प्रेम की दुहाई देते लोग इस स्थल को आराधना स्थल के रूप में भी मानते हैं। 24वां केसरी वन बंदरकोट। श्री राम वन गमन पथ का 24वां पड़ाव केसरी वन बंदरकोट है। वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित इस स्थल का प्राचीन नाम दमालीकोट था। अशुर राज दमाली की कथा सरगुजा के लोकगीतों में आज भी मिलती है, जिसका दमन वानर राज केसरी के द्वारा किया गया था। यहीं पर अंजनी टीला भी है। अंजनी ऋषि गौतम की पुत्री तथा वीर हनुमान की माँ थी। यही वह स्थान है जहाँ भगवान राम महर्षि सुतिक्ष के साथ महर्षि दंतोली से मिलने मैनपाट पहुंचे थे। 25वां सरभंग ऋषि आश्रम मैनपाट। श्री राम वन गमन पथ का 25वां पड़ाव सरभंज ऋषि का आश्रम है। भगवान राम केसरी वन बंदरकोट से होकर मच्छरी नदी के उद्गम मैनपाट पहुंचे थे। टाइगर पॉइंट से मैनपाट नदी निकलती है, जिसे मैनी नदी भी कहा जाता है। मच्छरी नदी के तट पर सरभंज ऋषि आश्रम होने की पुष्टि आज भी मच्छरी नदी के तट पर बसा सरभंजा ग्राम है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह रमणीय स्थल श्री राम वन गमन पथ का साक्षी है। वर्तमान समय में यह सरगुजा जिले में स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने श्री राम वन गमन पथ के 75 चयनित स्थलों के पहले 25 स्थलों का एक विस्तृत अध्ययन किया है। यह उम्मीद है कि यह आपके प्रारंभिक मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगले ऑडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे या चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि श्री राम वन गमन पथ की प्रमुख विशेषताएं अभी तक की क्या रही हैं। किसी भी इस प्रकार की समस्या के लिए आप निम्नानुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।